पूरे देश में 3 मई तक का लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसको लेकर तमाम राज्य सरकारों को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आदेश दिए गए हैं 20 अप्रैल तक सख्ती से लॉकडाउन का पालन करने के लिए। लेकिन मेरठ में कुछ और ही नजारा देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन का पालन तो नहीं हो रहा, बल्कि वीडियो बनाकर प्रचार से पालन भी किया जा रहा है, जिसमें एक युवक साफ तौर पर बताता नजर आ रहा है कि वीडियो कहां का है और किस तरीके से बाजार सजा है और बाजार में क्या क्या मिल रहा है। इस पर मेरठ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। जी हां, बता दें, मेरठ के सकूर नगर से एक युवक ने एक वीडियो बनाकर वायरल किया। उस वीडियो में यह युवक सब कुछ बता रहा है, क्या यहां पर बाजार में क्या क्या चीज उपलब्ध है और क्या क्या चीज यहां पर मिल सकती है, जिसको लेकर मेरठ पुलिस प्रशासन की प्रतिक्रिया निकल कर सामने आ रही है कि लॉकडाउन के समय में इस युवक के भाई के ऊपर दुकान खोलने को लेकर कार्रवाई की गई थी। उसी का बदला लेने के लिए उसने यह वीडियो वायरल किया। युवक टीवी सीरियल में कलाकारी करता है, लेकिन पुलिस प्रशासन का यह जवाब कितना सही है, क्योंकि इसमें पुलिस प्रशासन अब अपने आप को बचाता नजर आ रहा है। लखनऊ से कल गृह विभाग की तरफ से कुछ जिलों को संतोषजनक बताया गया, जिसमें मेरठ टॉप पर है। यहाँ के आला अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, तभी तो सकूर नगर में पूरा बाजार खुल रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो जरूरत का सामान चाहिए सकूर नगर में मिल जाएगा। एडीजी मेरठ जोन का कहना है कि वीडियो को वायरल करने वाले युवक पर कार्रवाई की जाएगी, और अगर इस तरीके का बाजार कहीं पर खुलता है तो वहां पर अधिकारियों को मुस्तैदी के साथ ड्यूटी देने के लिए कहा गया है। अगर कोई नहीं मानता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके का लॉकडाउन का पालन इस बाजार में दिख रहा है, उसे कोरोना वायरस और ज्यादा हॉटस्पॉट घोषित है, और लगातार इन क्षेत्रों से कोरोना वायरस के मरीज मिल रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन के चलते यहाँ पर पूरा बाजार खुला हुआ है। अब या तो आने वाला समय ही बताएगा कि प्रशासन लॉकडाउन के समय खुली दुकानों पर क्या कार्रवाई करता है। मेरठ से संवाददाता शुभम शर्मा की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम यार, वो कौन कह रहा है? मुर्गा चाहिए? अबे लॉकडाउन में मुर्गा भी मिलेगा हमारे यहाँ पे, टेंशन नहीं है, ये सकून नगर है, ठीक है। भाई अंगूर लेने आया हूँ, अंगूर ले रहा हूँ, लॉकडाउन चल रहा है, जबरदस्त भीड़ है, फिर पता नहीं मिले ना मिले, भैया ले लो, टेंशन मत लेना यार, चप्पलें भी हैं, कपड़े भी हैं, हर जगह भीड़ है, ध्यान रखना, कोई टेंशन नहीं है। ये देखो चप्पल कपड़े सब मिल रहे हैं। ये मेरठ है साहब, यहाँ कोरोना से डर नहीं लगता, यहाँ पे सामान खरीदना है सिर्फ, बस खरीदना, चाहे वो चूड़ी हो, चाहे वो कपड़े हो, कोई टेंशन नहीं है भाई लोगों, सामान सब खरीदेंगे। देखिए चूड़ी वूड़ी की सबकी दुकानें खुल रही हैं, लॉकडाउन चल रहा है, इतना ट्रैफिक तो तुम्हें रोज भी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। लॉकडाउन में लोग घरों से निकल रहे हैं, देखो, ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब, ये चल रहा है लॉकडाउन, देखो, देख लो ये, देखो सब लॉकडाउन चल रहा है, लोग खत्म नहीं होने का, ये खत्म नहीं होने का, बहुत भीड़ है। नगर में एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, सर ऐसे क्षेत्रों के लिए क्या? ऐसे क्षेत्रों में आज आप स्वयं जाकर देखें, सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने इसका संज्ञान लिया है, और अब जो थाना अध्यक्ष और जो हमारे क्षेत्राधिकारी हैं और जो मैजिस्ट्रेट्स हैं, उनकी शिफ्ट वार ड्यूटी लगाई जा रही है, विशेषकर जब ये अर्ली मॉर्निंग परचेज का टाइम होता है, हम लोग इंश्योर कराएंगे कि लॉकडाउन पूर्ण तरीके से का अनुपालन हो, और किसी ने भी अगर उसमें गड़बड़ी करने की कोशिश की तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, पीपी किट आपने लोगों को दे दी है?